कैसे बाबर आजम आज फिर मेरी बल्लेबाजी देखी, ऐसे बल्लेबाजी करते मुझसे यार सीखो। 24 पे हमारे 4 आउट थे, फिर भैया नाबाद मैंने 121 रन ठोके, टीम इंडिया का स्कोर 212 तक पहुंचा डाला। रोहित भैया छोड़ो ये कहाँ सीखेंगे, ये भैया आपकी तरह कहाँ बल्लेबाजी कर सकते हैं। भैया आज टीम को सख्त जरूरत थी यार, 4 विकेटें गिर गई, हम भी आउट हो गए शून्य पे। हमने सोचा आज का मैच गया, लेकिन आपने तो काम बना दिया। अरे कोहली भाई साहब तू तो रहने दे, तू तो शून्य पे लुढ़क गया यार। रोहित भैया ने आज रन बनाए ना मुद्दतों बाद, हम तो भैया हर मैच में ठोक रहे हैं अपना हिस्सा डालने, लेकिन हमारे बल्लेबाज दूसरे कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबर भैया मुद्दतों बाद नहीं माना कि बड़ी देर हो गई है, थोड़ी देर के बाद हमारे बल्ले से रन आए, लेकिन भैया जिस समय इंडिया की टीम को जरूरत थी उस टाइम हमारा बल्ला चला और भरपूर चला, टीम को पार लगाया। तुम्हारी तरह ने बीच में अपनी टीम को छोड़ के लुल हो जाते, अपने 50-60 किए, उसके बाद आपकी हवा भैया निकल जाती। हमको देखो बेशक पहले हम थोड़ा स्लो खेलता, लेकिन अंतिम में इतना तेज खेला इनसे आउट ही नहीं हुआ अफगानियों से। अबे बस करता रोहित ब्रदर, तुमने काम तमाम कर दिया। काम तो हमने तमाम करना था, हम आधा शतक लगाने के बाद लुढ़क गए, उसके बाद इब्राहिम जरदान भी आधा शतक लगाने के बाद लुढ़क गया। अरे ईमान भैया आप तो खिसक गए, लेकिन भैया मुझे सुसुड़ी वालों ने बेईमानी से खिसका दिया। वो वास्टिन सुंदर का बच्चा व्हाइट गेंद फेंक के भैया हमको स्टब आउट करा दिया, सीधी गेंद फेंकता तो डबल छक्का ठोकना था। अबे बस करो अफगानिस्तान वालों आप लुढ़क नहीं गए, इंडिया वालों ने पकड़ के खिसका डाला। तू भैया जरदान के बच्चे इतना आगे निकला, क्या घर से सब्जी लेने जाना था, आंखें खोल के निकलता। अबे बस करता शाइन बुरादर, तू पहले अपनी हालत देख फिर हम पर भौंकता, ठीक है ना। हमारे आउट होने के बाद मोहम्मद नबी और गुलबदन दी नायब भैया इनको बजा रहे थे नायब की तरह, वो तो हमारी किस्मत खराब थी। हाँ शाइन बुरादर कुछ शर्म करो, हमारा टीम फिर भी बढ़िया मुकाबला करता, 213 का लक्ष्य पीछा करता हुआ भैया जीत की दलील पे आ गया था। तुम तो वन साइड हार जाते हो, मुंह बंद रखो। अबे बस करो अफगानियों, आप कभी हमसे जीत नहीं सकते, ये पाकिस्तान से जीत सकते हो, और पाकिस्तान वालों को छोड़ो इनकी आदत है काम है, खुद जीत नहीं सकते, खामखा दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं फोकट में। भाई ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना प्लीज मेरे प्यारे प्यारे भाइयों।